बहराइच में विसर्जन के जुलूस के दौरान फैली हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार नियंत्रण का प्रयास कर रहा है। बहराइच में विसर्जन जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी में युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद जारी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की सुबह आक्रोशित भीड़ ने हरदी, सधवापुर, भगवानपुर और राजी चौराहे पर आगजनी की। आक्रोशित भीड़ ने हरदी चौराहे पर विभिन्न दुकानों के बाहर लगी होर्डिंग में आग लगा दी। वहीं राजी चौराहे पर टायर में आग लगा दी, जिसे दमकल वाहनों ने बुझाया। यही नहीं, भीड़ ने सधवापुर चौराहे और भगवानपुर चौराहे पर भी उपद्रव किया और धाबली व छप्पर आदि को आग के हवाले कर दिया है। जिसके बाद पहुंची पुलिस और पीएससी के जवानों ने मोर्चा संभाला और लाठी फटकार कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा। मृतक युवक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों का उनके सामने इनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं चौराहे के साथ गाँव में भी फैल रही हैं। सूत्रों के अनुसार आक्रोशित भीड़ ने चंदपाइया और कबड़ियनपुरवा गांव में भी तोड़फोड़ किया है और आगजनी की है, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। विसर्जन जुलूस में मृत हुए रामगोपाल कसौ गांव पहुंचने के बाद भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। तोड़फोड़ व आगजनी की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को बहराइच के लिए रवाना किया। बहराइच पहुंचने के बाद तत्काल अमिताभ यश प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान महसी के रामपुरवा चौकी पर आक्रोशित भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल से हवा में फायरिंग की और पिस्टल लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ाया, जिसके बाद लोग मौके से भाग गए। इसके बाद मौके पर पीएससी तैनात कर दी गई। वहीं एडीजी अमिताभ यश टीम के साथ महाराजगंज कस्बे की ओर रवाना हुए हैं। उधर पुलिस प्रशासन के काफी समझाने के बाद परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। एहतियात के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके पहले महसी और महाराजगंज के पूरे क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं होती रहीं। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि परिवार के संपर्क में रहे और उन्हें शव के अंतिम संस्कार के लिए मना लिया। इस बीच प्रशासन ने पूरी सख्ती दिखाते हुए रोड को पूरी तरह से खाली कर दिया। इस घटना पर प्रदेश सरकार एक्शन में है। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लाइन ऑर्डर मौके पर पहुंचे। प्रशासन के अनुसार अब तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं। वहीं इस घटना पर काबू पाने के लिए 6 कंपनी पीएससी के साथ 4 एसपी रैंक के अफसर, 2 एडिशनल एसपी, 6 सीओ, 1 कंपनी आरएफ को बहराइच भेजा गया है। रविवार को हुई घटना के बाद सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। घटना से प्रभावित महाराजगंज के टीवीएस और हीरो एजेंसी में आग लगा दी गई है। प्रशासन ने भी यह माना है कि कुछ जगहों पर आगजनी हुई है, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम सुबह 3:30 बजे के बाद शुरू हुआ। पोस्टमार्टम सुबह 7 बजे पूरा हुआ। इसके बाद शव उनके घर की तरफ रवाना किया गया। 7 पुलिस का बंदोबस्त मौजूद है। इस घटना के बाद क्षेत्र में अभी भी तनाव व्याप्त है। महाराजगंज और महसी इलाके के निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मामले में सुधाकर तिवारी, सत्यवान, अखिलेश वाजपेयी, विनोद मिश्रा, लाल विश्वकर्मा समेत 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकांश लोग निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इस बीच देर रात मुख्य आरोपी सलमान समेत कई लोगों पर FIR किया गया है। सूत्रों के अनुसार 20 से 25 लोगों को हिरासत में लेने की खबर आ रही है। उधर दूसरी ओर पूजा कमेटी देर रात तक इस बात पर अड़ी रही कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आरोपियों को फांसी देने के नारे देर रात सड़कों पर गूंजते रहे। वहीं घटना के विरोध में पूरे बहराइच जिले में बवाल बढ़ गया है। देर रात तक प्रदर्शन और जगह जगह आगजनी होती रही। इसी बीच पुलिस व प्रशासन बैकफुट पर नजर आया। महाराजगंज कस्बे में हुई घटना को लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है, जिसे देखते हुए SP वृंदा शुक्ला ने हरदी थाना प्रभारी सुरेश कुमार वर्मा व महसी चौकी इंचार्ज शिव कुमार को निलंबित कर दिया है। हालांकि CO पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर कार्यवाही न होने से लोगों में अभी भी आक्रोश भारी है। हालांकि SP की कार्यवाही के बाद भी लोगों में आक्रोश बना हुआ है। लोगों का कहना है कि थाने की पुलिस के साथ साथ CO रुपेंद्र गौड़ ने भी लापरवाही बरती है और लाठियां भांजी है। ऐसे में इनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए
उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी, शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई।